आज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्टूडियो में हम देहरादून के सीएसआईआर आईआईपी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रे जी का स्वागत करते हैं। नीरज जी, सबसे पहले हमारा प्रश्न आपसे ये है कि ये बायोडीजल क्या है और इस महंगाई के दौर में इसकी क्या जरूरत है? बायोडीजल एक पेड़ पौधों से या वेस्ट कुकिंग ऑयल, एडिबल नॉन एडिबल किसी भी प्रकार के तेल से बनाए जाने वाला डीजल के समकक्ष फ्यूल है, जिसे अल्टरनेटिव फ्यूल भी आप मान सकते हैं। तो ये हमारे वेजिटेबल ऑयल में, चाहे वो एडिबल हो, नॉन एडिबल हो, वेस्ट कुकिंग ऑयल, सब में ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली होते हैं 95 से 97-98% तक। उन ट्राइग्लिसराइड्स को आप एक रासायनिक क्रिया द्वारा, जिसे ट्रांसएस्टरीफिकेशन कहते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोडीजल का केमिकल नेम फेम यानी कि फैटी एसिड मिथाइल एस्टर कहलाता है, जिसे आप डीजल में ब्लेंड करके डीजल के इक्विवेलेंट उसको यूज कर सकते हैं। सभी ऑटोमोबाइल्स में जो डीजल ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जनरेटर हो गया, एग्रीकल्चर पंप हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, सब में बायोडीजल का उपयोग किया जा सकता है डीजल में ब्लेंड करने के बाद। नीरज जी, क्या बायोडीजल इको फ्रेंडली है और इससे किसान कैसे लाभान्वित होंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें एक तरीके से दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पहले मैं इको फ्रेंडली बताता हूँ, क्योंकि बायोडीजल पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तेल या अपशिष्ट तेल, जैसे वेस्ट कुकिंग ऑयल, उससे कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। तो इसलिए इस तेल में, जैसे हमारे जो केमिकली डीजल हम बनाते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से उसकी क्रैकिंग से बनता है, क्रूड ऑयल की क्रैकिंग से, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन में बनाया जाता है, उसमें बहुत तरह के एडिटिव्स बनाए जाते हैं, जिससे सॉक्स और नॉक्स मेनली आपने सुना होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी इंक्रीज करते हैं या पॉल्यूशन का लेवल बढ़ाते हैं। उनके एमिशंस जो निकलते हैं व्हीकल से, इनको यूज करने के बाद डीजल पेट्रोल को, जो पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं एनवायरमेंट में। पर क्योंकि बायोडीजल, बायोडीजल इसलिए भी नाम दिया गया क्योंकि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला और ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है, तो इससे सल्फर, स्पेशली सल्फर का, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें सल्फर नहीं पाया जाता, तो सल्फर का लेवल इससे कम होता है, नाइट्रोजन के लेवल में भी फर्क पड़ता है। और बहुत सारे जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज बायोडीजल को यूज करने के लिए है कि जो CO2 आप व्हीकल से निकलती है, जिससे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, तो अगर आप ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिससे बायोडीजल बना जा सके। पेड़ पौधे हमेशा एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, CO2 का यूज करते हैं, तो बायोडीजल बनाने से कई सारे फायदे हैं। सॉक्स नॉक्स तो कम हो रहा है, दूसरा जो एनवायरमेंट में CO2 एमिशन हो रहा है व्हीकल से, आपके ट्रैक्टर से, जनसेट से, उस सब CO2 को ये पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि CO2 के थ्रू ही पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन होता है, जिससे वो अपना खाद्य तेल का निर्माण करते हैं या अन्य जो भी पेड़ पौधों से चीजें प्राप्त होती है उनको, उसमें CO2 का यूटिलाइजेशन है। तो CO2 कम करना ही सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर का जो वीक हो रही है एनवायरमेंट के, हमारे सराउंडिंग में जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उन सब का इफेक्ट CO2 की वजह से है। तो अगर बायोडीजल हम यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली CO2 का कंजम्पशन कम होगा। जहां तक बात है किसान के लिए इको फ्रेंडली होने की बात, तो हमने जो मॉडल डेवलप किया है, जिसमें हम बायोफिल क्रॉपिंग, एक NOPNG का मिशन हम चला रहे हैं, जिसमें हम ऐसी क्रॉप को हमने आइडेंटिफाई किया है, कर्नाटक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जो साल में 3 से 4 बार फसल दे सकती है। तो उसमें हमने इस क्लाइमेट जोन के लिए, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के लिए, क्रॉप आइडेंटिफाई की, जिसे ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं, काली सरसों की तरह उसी फैमिली की होती है, जो साल में 3 से 4 बार क्रॉपिंग कर सकती है और उसमें 45 से 50% ऑयल कंटेंट भी है। इस तेल को बहुत अच्छे तरीके से बायोडीजल बनाया जा सकता है इस तेल के उपयोग से। तो ये किसानों के लिए इसलिए इको फ्रेंडली होगा कि अगर किसान इतनी पौधा इस तरह का लगा लें, कैरी ब्रैसे का, कैरी नाटा का, इंटरक्रॉपिंग के थ्रू या जितना भी वो एक डेजिग्नेटेड लैंड इसको अलॉट कर दें, तो इतना डीजल वो प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हों ट्रैक्टर्स वगैरह में या उनके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, वाटर पंप से, उसको डीजल से चलाया जा सकेगा। और जैसा मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि इस बायोडीजल को बनाने की कॉस्ट लगभग 45 से 50 रुपये है, और अगर आप उसे मार्केट के रेट से कंपेरिजन करें तो मार्केट में भी 97 या 98, रफली 100 रुपीज़ के आसपास डीजल मिल रहा है, तो लगभग आधी कॉस्ट में उनको डीजल मिल जाएगा। तो उनके लिए बहुत बड़ी सेविंग होगी, उनका इनकम भी जनरेट होगा और उनका अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे वो आएंगे, अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। जी, ये चारधाम यात्रा में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है इसका, और किस भाव ये लेंगे आप, ये तेल गंगा जो तेल देंगे, और क्या इसका बाजार में भाव?
बिल्कुल, चार धाम यात्रा के लिए हमारा एक मिशन हमने बनाया है कि चार धाम में एक ही काम, कम करेंगे डीजल के दाम। इस स्लोगन को हमने दिया है, इसकी शुरुआत हम आने वाली 6 मई को करने जा रहे हैं। पतंजलि में हमारा प्रोग्राम फाइनल होने जा रहा है, पतंजलि यूनिवर्सिटी क्योंकि बन गई है हुए, उसके डीन और बीसी से हमारा प्रोग्राम नेगोशिएशन के लिए चल रहा है, आज शाम तक शायद फाइनल हो जाएगा, कल मॉर्निंग तक। तो वहाँ पे हम जितने भी होटल रेस्टोरेंट ढाबे वाले हैं जो वेस्ट कुकिंग ऑयल को फेंकते हैं या कहीं पे उनका ट्रैक नहीं हो पाता, वो नीचे समोसे तलने वाले उन सबको दे देते हैं, तो लोकल हमारा एक एफडी डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके डिप्टी कमिश्नर है श्री गणेश खंडवाल जी और उनके हेल्थ सेक्रेटरी राधिका झा जी, चौहान साहब हैं उनके एडिशनल सेक्रेटरी, इन सब के सहयोग से हमने इसी तरह का एक मॉडल देहरादून में भी डेवलप किया है, जिससे हमें लगभग 3 से 4 हज़ार, लगभग कहीं कई बार 5-5 हज़ार लीटर मंथली हमें वेस्ट कुकिंग ऑयल बन रहा मिल रहा है, उससे हम बायोडीजल कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसी मिशन को अब क्योंकि चार धाम की यात्रा टूरिस्ट जो है सबसे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश से ही एक तरीके से शुरू होती है, तो हम हरिद्वार के जितने भी होटल रेस्टोरेंट्स हैं लोकल एफडी डिपार्टमेंट के थ्रू, फूड सप्लाई ऑफिसर्स के थ्रू एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें हम अवेयरनेस भी करेंगे और उन्हें वहाँ डीजल बना के डेमोस्ट्रेशन भी देंगे, उनको एनकरेज करेंगे, और इसमें हमने एक कैशलेस मॉडल भी तैयार किया है 2 तरीके का, जिसमें वो 5 लीटर अगर हमें तेल देते हैं वेस्ट कुकिंग ऑयल तो उनको 1 लीटर फ्री वेजिटेबल ऑयल रिफाइंड ऑयल मिलेगा, या जितना वो हमें सपोज 5 लीटर हमें वेस्ट कुकिंग ऑयल देते हैं तो हम 2 से 2.5 लीटर तक उन्हें डीजल फ्री में देंगे, क्योंकि हर होटल रेस्टोरेंट के पास जनरेटर है, जिससे उस डीजल को अपने जनरेटर में इस्तेमाल कर सके और उनके लिए भी एक सेविंग का काम करे। धीरे जी, ये जानकी लगी आपके प्रयास से काशीपुर में भी बायोडीजल प्लांट लगाया जा रहा है, क्या बताएंगे कहाँ लगाया जा रहा है और इससे क्या किसानों को लाभ होगा? ये एक बेसिकली हम इंडिया में सबसे पहले एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स टाइप का डेवलप करना चाह रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति द्वारा संचालित सतीन चंद्रगुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के पास कृषि कार्य और उससे जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 एकड़ लैंड अलॉट हुई है, इसमें 5 एकड़ में तो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, 10 एकड़ लैंड में अभी भी शिक्षा समिति द्वारा ही खेती की जा रही है, तो हमने लैंड आइडेंटिफाई किया और जो जैसे मैंने बताया वैसे ही कैरीनाटा की क्रॉप के लिए सीड्स हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से मंगा लिया है, लगभग 1 क्विंटल सीड हमने परचेज कर लिया है, उस सीड को हम जुलाई अगस्त से उसकी क्रॉपिंग करेंगे और उस क्रॉपिंग के बेस पे क्योंकि हमें एक मॉडल डेवलप करके दिखाना है कि उसी बीज से तेल निकले, उस तेल से डीजल बने, बायोडीजल बने, और उस बायोडीजल से जो हमारे ट्रांसपोर्ट में लगभग 4 बसें हैं, कुछ अपनी गाड़ियां भी हैं ट्रांसपोर्ट में जो यूजर है, अपने जनरेटर्स भी हैं, 2 जनरेटर्स हैं, तो लगभग हमारा 200 से 250 लीटर डीजल का खर्चा हम इसके थ्रू जो हम क्रॉपिंग करेंगे इसके थ्रू करें, साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं लगभग 850 बच्चे IMT में पढ़ रहे हैं, उसमें स्पेशली फाइनल ईयर के बच्चों का डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट मोड में काम उनको दिया जाता है, तो उनका प्रोजेक्ट मोड में हम चाह रहे हैं कि वो अवेयरनेस भी करें कि यूज कुकिंग ऑयल वेस्ट कुकिंग ऑयल से हेल्थ हैजार्डस है, कैंसर, लीवर कैंसर, स्टोमक डिसऑर्डर, एसिडिटी, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीज से हो सकती है, तो वो लोकल जो हमारे FDA के लोग हैं, फूड सप्लाई ऑफिसर्स हैं, उनके सहयोग से हम प्रयासरत हैं कि जिम कॉर्बेटर्स के आसपास जितने रेस्टोरेंट होटल्स हैं काशीपुर रामनगर क्योंकि अपने आप में टूरिस्ट हब है, इन आसपास के क्षेत्रों से सभी से वेस्ट कुकिंग ऑयल कलेक्ट कर पाए और साथ साथ वो क्रॉपिंग से भी एक हमें तेल मिलेगा और वेस्ट कुकिंग ऑयल, दोनों को मिला के हम कंटिन्यूसली एक मॉडल बना के दिखाएं पूरे इंडिया को, काशीपुर में एक चला के दिखाएं इस तरह का मॉडल, ताकि और लोग इसे अडॉप्ट कर सकें और देश के कोने कोने में भी मैसेज जा सके कि ये इसकी संभावना है, किसान के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी अलग तरह का प्रोग्राम होगा, और बहुत सारे अभी जो बायोडीजल बना रहे हैं यूज कुकिंग ऑयल से लगभग 18 से 20 इंडस्ट्री बायोडीजल बना रही है, जिनके टेस्टिंग और ऑडिट का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने हमारे संस्थान को दिया है, CSIRP को ही, तो इसके थ्रू एक बच्चों को अवेयरनेस मिलेगी, उन्हें पता लगेगा बायोडीजल कितना इको फ्रेंडली है, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, और सबसे बड़ी बात अभी हम जैसा मैंने पहले भी कहा है 100 से 120 मिलियन टन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो अगर हम 4 से 5 मिलियन टन भी क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट कर पाए बायोडीजल बना के, तो बहुत बड़ी एक सेविंग होगी, कई करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज हम सेव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।